السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। नाबालिग बच्चों की मिल्कियत में कितना ही माल हो, जब तक वो नाबालिग है उन पर या उनके सरपरस्तों पर उसकी ज़कात वाजिब नहीं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी के अलावा अपने रिश्तेदारों में से जो ज़कात के मुस्तहिक हो उनको ज़कात देना अफजल है। अलबत्ता मियाँ बीवी का एक दूसरे को ज़कात देना जायज़ नहीं। रोज़े की हालत में फ़र्ज़ गुस्ल करते वक्त कुल्ली में गरारा करना और नाक में ऊपर तक पानी चढ़ाना दुरुस्त नहीं है। सिर्फ कुल्ली कर ले और नाक की नरम हड्डी को उंगली से तर कर ले और गुस्ल करते वक्त बग़ैर अख्तियार के कान में पानी चला जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में आँख में दवा डालने या सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे हलक में इसका असर महसूस हो। इसी तरह सर या बदन पर तेल या कोई मरहम वगैरह लगाने या अपना थूक या बलगम निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराने, इंजेक्शन लगवाने, ग्लूकोज चढ़ाने और डायलिसिस कराने से रोज़ा नहीं टूटता और ऑक्सीजन सिर्फ हवा लेने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर ऑक्सीजन में दवा या किसी चीज़ की मिलावट होगी तो रोज़ा टूट जाएगा और उसकी कज़ा लाजिम होगी।